मेहनत तो हर कोई कर रहा है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तुम अलग क्या कर रहे हो, तुम अलग क्या चीज फॉलो कर रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ना कि उन सबका। डर लगेगा, 100 बार लगेगा, बट अगर आप उस डर को देखकर भाग गए तो आपकी हार है, और अगर आपने सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करी और उस डर को हराया तो आपकी। तो हाय एवरीवन, आई एम प्रशांत, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि इस समय पर अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है। इंडिया के दो टफेस्ट एग्जाम होते हैं, IIT JEE और NEET। मैं उनके 10 से 15 हज़ार बच्चों को मेंटोर करता हूँ, स्टूडेंट्स को मेंटोर करता हूँ, और आज मैं आया हूँ आप सभी की एक मदद करने, आप सभी को एक रोड मैप देने, आप सभी का जो गोल है, जो लक्ष्य है, चाहे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, चाहे आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC, CAT, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका अगर ये गोल है कि उस एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाओ, उस एग्जाम के अंदर आप सिलेक्शन कर पाओ, तो यार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूँ ना कि मुझे पता है कि एक्चुअल टिप्स क्या होती हैं, एक्चुअल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और कौन कौन सी दिक्कतें आप फेस करते हो, और उनके सोल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाले। कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, आपको बेसिक सी बातें नहीं बताऊंगा कि यार ये कर ले, वो कर ले, ये चीज कर ले, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको फुल्ली प्रूव्ड एंड साइकोलॉजिकल टिप्स बताने वाला हूं, जिससे कि आपका दिमाग की जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, और उस एग्जाम जो आपका गोल है उस गोल की तरफ भागना कैसे है वो एक डायरेक्शन मैं आज आपको दे दूंगा। कि मेहनत आपकी है पूरी की पूरी, एग्जाम आपको ही क्रैक करना है, मैं बस आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि यार देख उस डायरेक्शन में भाग, और ऐसा भाग, भागना फिर आपको ही है। पहले बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो देखो या तो आप अपने कुछ साल बर्बाद कर लो, या तो आज ये जो 15-20 मिनट की वीडियो है ये देख लो, और अपने वो जो साल आप बर्बाद करने वाले थे उनको बचा लो, क्योंकि आज मैं 5 से 6 तरीके बताऊंगा, एक पूरा रोड मैप दूंगा, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो इंडिया के टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम की, आप क्लियर कर सकते हो। तो पहली स्ट्रेटेजी है फाइंड योर व्हाई, कि आपको ये चीज करनी क्यों है, आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो उसका सिलेबस जान के आपको शायद नॉलेज मिलेगी, बट उसका रीजन जान के आपको एक आग मिलेगी, एक फ्यूल मिलेगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान के चलो मैं 12th बोर्ड के अंदर 95% का एम लेके चल रहा हूँ, मैं उस एम के पीछे भाग रहा हूँ, मेरे को सिलेबस पता है, मेरे को किताबें पता है, मेरे को सब कुछ पता है, बट अगर मेरा वाई क्लियर नहीं है ना तो मैं कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर सकता है, रियलिटी है। आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि यार उस एग्जाम को आपको क्रैक करना क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद आपके टीचर ने आपसे कभी कहा था कि तू नहीं कर पाएगा, आपको उनको प्रूव करना है, शायद आपको अपने रिलेटिव्स को प्रूव करना है, अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, आपकी किसी लैला या मजनू को आपको प्रूव करके दिखाना है। रीजन कोई भी हो सकता है, आपको वो रीजन किसी और को बताने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपको वो रीजन खुद के अंदर रखना है और खुद को डेली बताना है। जब भी आलसी फील करो, जब भी लेजी फील करो, तो खुद को ये सवाल पूछ लेना कि जो जंग आप लड़ रहे हो उसका रीजन क्या है, आपका ये रीजन, ये वाय क्या है, वो खुद से पूछो। हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं एक चैलेंज देने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखना, एक चैलेंज मिलने वाला है 21 डेज का, तो उसको प्लीज तब फॉलो करेंगे। खुद का जो आपका वाय है, क्यों करना है, वो बिल्कुल क्लियर कर लेना, और अब हम आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है क्लियर योर माइंड। वे क्या कह रहे हो, क्लियर योर माइंड मतलब दिमाग में हटा देगा, मतलब क्या बोल रहे हो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो यार मैं इंडिया के एक टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, एक टफेस्ट एग्जाम की IIT JEE की, मान लो एक इंडिया का अच्छा खासा एग्जाम है। हम क्या करते हैं ना, हमारे पास्ट से उस चीज को लिंक करते हैं, जिसके एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यार मैं एक स्टूडेंट था और मैं 10th के अंदर सिर्फ 80% लाया, ये कम मार्क्स नहीं है बट फिर भी ये कम मार्क्स माने जाते हैं, मैं 80% लाया, और अगर मैं 11th के अंदर एक सपना देख रहा हूँ कि IIT JEE और नीट करना है, तो मुझे 100 लोग बोलेंगे, या फिर मैं खुद से भी खुद को बोल सकता हूँ कभी कभार कि यार मेरे 10th में इतने से नंबर आए थे, मैं कैसे IIT निकालूंगा जिसकी सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 1% है, मैं कैसे MBBS का कॉलेज निकालूंगा जिसका सिलेक्शन रेशियो 0.1% है। सबसे पहले है क्लियर योर माइंड मेरे दोस्त, आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को नहीं जोड़ना है। आपके पास्ट में चाहे आपके 10 नंबर आए, 15 नंबर आए, फेल हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में अभी आग है, अगर आप में अभी जुनून है, तो यार ये जो पास्ट था ना वो पास्ट ही रह जाएगा, फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर होगा, और वो जो टॉपर आप देखते हो ना, उन टॉपर में से एक आप होगा। पता है क्यों? क्योंकि एक टॉपर की एक साइकोलॉजी बताता हूँ मैं आपको। वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कि बचपन से टॉप कर रहे होते हैं, वो बनते कैसे हैं टॉपर, देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो 5th क्लास में थे, 6th क्लास में थे, और वो क्लास में पहली बार टॉप करते हैं, उसके बाद क्या होता है ना यार, उनको बहुत खुशी मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है, और हम ह्यूमन सब एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। हमें एप्रिसिएशन मिला और हमें लगा यार ये तो बढ़िया चीज है, इसमें तो हमें लोग इतने अप्रिशिएट करते हैं, हमें अवार्ड्स मिलते हैं। तो वो जो बच्चा है वो अगली बार और मेहनत करता है, और उसके बाद 7th में टॉप करता है, 8th में, 9th में, 10th में, और यह सिलसिला चलता रहता है। अगर आप इस साइकिल के अंदर एक बार घुस गए ना, तो आप भी वो टॉपर ही कहलाओगे। तो इस वजह से अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कभी मत जोड़ना यार फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक बार अगर माइंड बना लिया कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद ये ऑप्शन नहीं है कि करना है या नहीं करना है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल, अरे हाँ
अगर तुझे लगता है पॉसिबल है, और अगर तुझे नहीं लगता तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडीज ये कहती हैं कि जो आप मान लेते हो वो 90% चांस आप वो चीज करके दिखाते हो, और अगर आपको 1% भी डाउट रहता है कि यार क्या ये चीज मैं कर पाऊंगा, तो 99% चांसेस आप वो चीज नहीं कर पाओ। नंबर 3, क्या आप सभी के साथ ये होता है कि यार किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक शेड्यूल बनाते हो। मान के चलो मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एक शेड्यूल बनाया, मैंने एक पेज में बड़े ही इंथुजियाज्म से लिखा कि आज भाई 10 से 12 तो ये करूंगा, 12 से 2 ये करूंगा, ऐसा मैं कुछ लिख देता हूँ। आप सभी ये करते होगे। उसके बाद होता क्या है ना कि हम इस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते और हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हम बिल्कुल मतलब थक जाते हैं, हार जाते हैं, और उससे हमें ऐसा लगता है कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। होता है ना सभी के साथ। तो यार एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो पुराने जमाने में जी रहे हो और एक जंग आपको लड़नी है। उस जंग में क्या आप ऐसी घुस जाओगे, क्या आप ऐसी चले जाओगे? उसके लिए आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पहले तैयारी करनी पड़ेगी। यार पहले एक सेना को जुट कर लेते हैं, एक सेना बना लेते हैं, उसके बाद इक्विपमेंट्स वेपन्स वगैरह सब कुछ ले आते हैं, उसके बाद ही तो जंग में जाओगे, ऐसे तो मुंह उठा के चले नहीं जाओगे। तो ये जो है ना एग्जाम, ये जो एग्जाम है ये भी हमारी जंग है, और इस जंग में जीतने के लिए हमें पहले चाहिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आएगी शेड्यूल से, और शेड्यूल आएगा आपके मेहनत से। अगर आपसे शेड्यूल नहीं बनता तो उसकी कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली टेक्निक है 50-10 रूल। 50-10 रूल क्या होता है, उसको बहुत लोग पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना। वो टेक्निक ये बोलती है कि मेरे दोस्त, अगर तेरी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तू पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो तू एक 50-20 रूल फॉलो करेगा। ये क्या कहता है, ध्यान से देखना 50-10 रूल। ये 50-10 रूल ये कहता है कि यार तू पहले 50 मिनट्स तो पढ़ाई कर, स्टडी कर, और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले। और इस 10 मिनट में क्या करना है, क्या करना है भैया, क्या मूवी देखनी है क्या? अरे नहीं, इसके अंदर आपको वॉक करना है, रनिंग करनी है, पुशअप करने है। क्यों? ब्लड सर्कुलेट होगा, और बायोलॉजी कहती है जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है तो आपके ब्रेन में भी ब्लड जाता है और आपको नींद कम आती है, तो उस नींद से आपको बचाए रखेगा ये 50-10 रूल। तो आप इसको फॉलो करिए। अब सेकंड टिप क्या है, टिप ये है कि यार हमेशा हम 50-10 रूल को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम डेली सिर्फ 50 मिनट का थोड़ी ना टाइम बना सकते हैं। अगर हम सिर्फ 50 मिनट ही डेली पढ़ रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तो ऐसे तो एग्जाम क्लियर होगा नहीं। सेकंड एडिशनल रूल है, पहले 50-10 रूल फॉलो करोगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए, उसके बाद आप आगे क्या करोगे, आगे मैं बहुत बार बता चुका हूं, 5 मिनट मोर। एक नई स्ट्रेटेजी है, एक मैंने काफी बार स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, 5 मिनट मोर स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है, यार 50-10 रूल आप फॉलो कर रहे हो, हर रोज तो फॉलो कर नहीं सकते, अब उस 50 मिनट को, वो जो आपके 50 मिनट्स थे, ये जो आपके 50 मिनट्स थे ना, इन 50 मिनट्स में आपको डेली कुछ कुछ टाइम इंक्रीज करना है, और खुद से बोलना है, जैसे आपका मन करे कि यार 50 मिनट हो गए, अब खुद से बोलो 5 मिनट हो, अगले दिन फिर बोलो 5 मिनट हो, फिर बोलो 5 मिनट और। ये जो 50-10 का अपना रेशियो था ना, ये धीरे 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 1 hour और 10 मिनट में बदलेगा, फिर 2 hour 10 मिनट, फिर 2 hour 30 मिनट 10 मिनट, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, और ऐसे हमारा जो सिटिंग का टाइम है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो खत्म हो जाएगी, और हमारा शेड्यूल जो हम बनाते हैं वो हम फॉलो कर पाएंगे। टिप नंबर 4, क्या आप सभी के साथ भी होता है कि आप अचानक से यार कभी कभार इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हो, कभी कभार आप यूट्यूब पे पहुंच जाते हो, आप यूट्यूब पे एक लेक्चर देख रहे थे और तभी यार आपने देखा कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने लग गए और एक एक दो दो घंटे आप वहीं बिता देते हो। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी शायद हो रहा होगा। इसका क्या सलूशन है, इसका एक नॉर्मल सा सलूशन है। देखो डिस्ट्रैक्शन हटाने के 100 तरीके मैं आपको बता दूंगा, बट उनमें से 5-6 ही काम करते हैं, ज्यादा काम करते नहीं है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सलूशन है, ये है, जैसे ही आपको रियलाइज हो कि यार आपने 1-1.5 घंटा खराब कर लिया, उसी समय पर आप खुद से ये पूछो कि आज के समय पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आज ये इंस्टा रील चलाकर जो मैं डांस देख रहा हूँ, जो मैं इंस्टा रील चला रहा हूँ, ये यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे लिए एक मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी परसेंटेज लाना इंपॉर्टेंट है, या फिर एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है, और आज आप अपने घर वालों के पैसे का फोन ले रहे हो, और क्या पता अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर पाते तो उसके बाद आप खुद का फोन चलाओ, और वो जो खुशी होती है ना यार, वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल खुशी है। आज आपको एक टेम्प्रेरी खुशी मिल रही है ये इंस्टा रील यूट्यूब शॉर्ट चला के, बट जिस दिन आप खुद का फोन लोगे ना, खुद की सैलरी से, वो खुशी एक नेक्स्ट लेवल होगी, और उस सैलरी से आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दोगे, वो खुशी एक बहुत नेक्स्ट लेवल खुशी होगी, और उसके लिए आपको आज खुद से पूछना पड़ेगा मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, या फिर ये मोबाइल इंपॉर्टेंट है, और आपका जवाब आपको खुद, आपका दिल और आपका दिमाग दे। टिप नंबर 5, और अब हमारा 21-day challenge यहाँ से शुरू होता है। देखो नेक्स्ट 21 दिन में आपको क्या करना है, पहले तो मुझे एक रियलिटी बताना, आप सभी के साथ ये चीज हो रही होगी। होता क्या है ना, जब हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ना हर कोई हमें ताना लगा रहा होता है, हमें डर लगता है कि यार क्या सिलेक्शन हो पाएगा, हमसे जो भी रिलेटिव मिल रहा होता है पूछ रहा होता है और बेटा कैसी प्रिपरेशन चल रही है, वो बहुत चुपती है दिल में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस टाइम पर आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। मैंने आपको टॉपर स्ट्रेटेजी बताई कि यार एक टॉपर बनता क्यों है, अप्रिसिएशन से, बट आपको कोई अप्रिसिएशन मिल नहीं रहा है, तो क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, सेल्फ अप्रिसिएशन इज द की।
खुद को अप्रिशिएट करो। और नेक्स्ट 21 डेज मेरे दोस्त याद रखना, अगले 21 दिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि यार आप कमेंट भी लिखते जाओगे कि आप इस चैलेंज को फॉलो करोगे। नेक्स्ट 21 दिन आप जब अपना टाइम टेबल फॉलो कर लेते हो, अपना शेड्यूल को एटलीस्ट 80% तक फॉलो कर लेते हो, या फिर किसी एग्जाम में एक अच्छे नंबर ले आते हो, तो खुद को अप्रिशिएट करोगे कि यार हाँ यार बहुत अच्छा काम करा आज, मेहनत करी, मजा आया। क्योंकि यार हर कोई रात को एक रिग्रेट से सो रहा है, ये चीज मैंने बहुत स्टूडेंट से बात करके जानी है कि यार हर एक स्टूडेंट रात को एक रिग्रेट से सोता है कि आज उतना अच्छा काम नहीं कर पाए। उस रिग्रेट से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, सेल्फ अप्रिशिएशन। नेक्स्ट 21 डेज में खुद को अप्रिशिएट करोगे। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो, अगर अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में लिखना हाँ बिल्कुल करेंगे, और मुझे हर एक का कमेंट चाहिए। नंबर 7, 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है भैया? 80-20 रूल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बता भी रखा है ना, जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे मेंटोरिंग लेते हैं उन सभी को पता होगा। 80-20 रूल ये कहता है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम है, उसका ये 20% सिलेबस एक ऐसा सिलेबस होता है जिसका वेटेज 80% होता है। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हो और आइडिया लगाते हो, इस 20% सिलेबस को ढंग से ढूंढते हो, तो होगा क्या ना, उससे होगा ये कि यार आप 80% मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो किसी भी एग्जाम के अंदर। तो 80-20 रूल प्लीज फॉलो करना। एंड सेकेंडली यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग टीचर्स को फॉलो करते हैं। आपको हर सब्जेक्ट का सिर्फ एक या दो टीचर चाहिए मैक्सिमम। आप 100 टीचर को मत देखो यूट्यूब पे, आज मेरे लेक्चर देखोगे, कल किसी और के, फिर उसके, नहीं, एक टीचर चाहिए आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, दैट इज इनफ। दिस स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो यहां तक देख पाए हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हो। ये स्ट्रेटजी है एक्टिव रिकॉल मेथड। ये क्या होता है भैया, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 रुपीज का नोट ड्रॉ करो, 10 रुपीज का नोट ड्रॉ करो, तो आप कैसे करोगे? भैया 10 रुपए का नोट होता है, कुछ यहाँ 10 वर्ष लिखा होता है, कुछ यहाँ फोटो होती है, कोई भी स्टूडेंट ड्रॉ नहीं कर पाएगा, जबकि हम उसको रोज देखते हैं, हम उस नोट को रोज देखते हैं, फिर भी हम क्यों नहीं ड्रॉ कर पा रहे? क्योंकि हमने कभी उसे रिकॉल करने की कोशिश नहीं करी। आज आप गलती कर रहे हो कि यार आप डेली अपने नोट्स तो देखते हो, जो टीचर पढ़ाते हैं उनको नोट्स को आप देखते तो, बट सिर्फ आप देखते हो उनको रिकॉल नहीं करने। तो एक्टिव रिकॉल मेथड क्या कहता है कि देख, तूने एक नोट्स पढ़े, मान के चलो मैंने एक नोट्स पढ़ रहा था हिस्ट्री के, आज मुझे सर ने पढ़ाया, मैं लेकर आया, उसके बाद जो भी नोट्स थे मैंने एक बार पढ़ा, उसके बाद मैंने आईज क्लोज करी और उसके बाद मैंने इमेजिनेशन करा कि यार आज सर ने क्या क्या पढ़ाया था, कि यार हिस्ट्री में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और सारा जो माइंड मैप था मेरे माइंड के अंदर छप जाना चाहिए एक इमेजिनेशन की फॉर्म में। ये होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। मान के चलो वो 10 रुपए का नोट था, मैंने देखा, उसके बाद मैंने आईज क्लोज करी और एक बार मैंने उसको दिमाग में इमेजिन कर लिया कि यार ऐसा दिखता था, ये था, ये था, उसके बाद गारंटीड मैं उस नोट को ड्रॉ कर सकता हूं, दिस इज फॉर श्योर। एक्टिव रिकॉल मेथड ये है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मेमोरी शार्प करनी है, अगर आपको कुछ रटने वाली चीज जल्दी से गेन करनी है, तो ये एक्टिव रिकॉल मेथड प्लीज यूज करना एंड दिस विल बी लाइक वेरी गुड। ये थी आज हमारी सारी टिप्स एंड लास्ट एक बोनस टिप देके जाऊंगा। बोनस टिप क्या है? फॉलो प्रिंसिपल्स नॉट पीपल। आज के समय पर ना आप सब टॉपर इंटरव्यू देखते हो कि अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो यूपीएससी की, तो टॉपर के इंटरव्यू देखेंगे कि हाँ यार ये सारी चीजें, बट रियलिटी है ना कि वो टॉपर जो करते हैं और जो बताते हैं ना, उनमें बहुत डिफरेंस है। आपको कभी भी किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि उसने सारी चीजें करी मैं भी ये करूंगा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा यार, रियलिटी बता रहा हूँ। आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं कि यार उन्होंने भी यही सब्जेक्ट पढ़े, मुझे भी यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट मुझे अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यार उन्होंने 10 घंटे पढ़ा, आप भी 10 घंटे पढ़ो, नहीं, क्या पता आप 8 घंटे पढ़ के भी क्लियर कर लो, क्या पता आप 12 घंटे पढ़ के भी ना कर पाओ। तो डिपेंड करता है आप पर, ना कि किसी टॉपर पे। टॉपर को देखकर इंस्पायर हो कि हाँ इसकी तरह बनना है, बट उनकी कॉपी मत करना कभी भी, वरना यहीं के यहीं रह जाओगे। थोड़ा सा रूड है बट रियलिटी है। ये थी हमारी पूरी वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप ये सारी चीजें नहीं भी करते तो भी मुझे दिल पे चोट नहीं लगती, बट मुझे दिल पे चोट जब लगती है जब आप इस वीडियो को एक स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करते। प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि हमारा एक गोल है, हमारा एक मोटिव है कि हम जितने स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन डाल पाए उतना ज्यादा शायद मुझे खुशी होगी। तो आप बस अपना एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, उनको बताना कि यार हाँ यार कुछ वैल्यूएबल चीज है और इसको देख, तो उनको भी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिले। 21 डे चैलेंज कौन कौन फॉलो करेगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। ऑन दिस नोट, टेक केयर, लव यू ऑल एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर।